हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इफ़ेक्टिवली अपना टैन जो है फेस का वो हटा सकते हैं। जो भी हमें सनबर्न होता है सन की वजह से, जो भी हमें टैनिंग होती है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं। एंड गाइस, इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्टो टैन क्लियर, जो कि नेचर्स एसेंस की तरफ से। एंड गाइस, ये क्रीम जो है ये रियली बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड गाइस, इसके अंदर आपको एक ब्लीच भी मिलती है मार्केट में, बट मैंने वो भी यूज़ करी है, बट दोनों चीज़ें सेम है, बिकॉज उसके साथ कोई अमोनिया नहीं होता है, बट उसका नाम ऐसा रखा हुआ है उन्होंने। सो मैं यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ। एंड गाइज, ये क्रीम जो है ये बिल्कुल अमोनिया फ्री है, एंड ये बिल्कुल सेफ है आपके फेस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है इवन। और मैं इसको आई थिंक 2 या 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ गाइज, एंड दिस रियली वर्क्स फॉर मी रियली वेल। एंड गाइज, ये आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स के ऊपर, नेक के ऊपर, फीच के ऊपर, जहाँ की भी आपको टैनिंग रिमूव करनी है। एंड गाइज, इसको मैं क्रीम को एक फेस पैक ब्रश की मदद से जो है अपने फेस पे पूरा लगा रही हूँ। एंड गाइज, आप भी इसकी एक बहुत मोटी लेयर जो है अपने फेस पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको एक पूरी लेयर लगानी है फेस की। मैंने इसको कटोरी में इसलिए डाला गाइज, ताकि थोड़ा हाइजीनिकल रहे, बार बार उसके अंदर फेस वाला ब्रश डिप ना करना पड़े, उससे थोड़ा बैक्टीरिया जा सकते हैं। सो इसलिए हम इसको कटोरी में डाल के लगाएंगे। एंड गाइज, आप इसको अपनी आईज़ के पास भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं देगा, बट बस आपको अपनी इसको आईज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड अब मैं इसे नेक पे भी मैंने इसे लगा लिया पूरा, और हेयर बैंड से आप पहले अपने बालों को सिक्योर कर लेंगे, ताकि कोई भी बाल फेस पर आपको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। एंड गाइज, ये मैं अपनी आईलेट के ऊपर भी लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी टैनिंग बहुत ज़्यादा है मेरे को। और गाइज, मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि रियल बिफ़ोर एंड आफ्टर होगा, कोई इसमें क्लिक बेट नहीं होगा, रियल बिफ़ोर एंड आफ्टर। एंड गाइज, इसको आपको 20 मिनट्स तक रखना है। 20 मिनट्स के बाद गाइज ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा इवन करेंगे, जो भी ब्रश के अंदर लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है, और हमारी जो बाउल है उसके अंदर लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और पूरा इसको इवन अच्छे से करेंगे। इवन करने से गाइज, जो क्रीम पहले एब्जॉर्ब हुई थी, अब और क्रीम एब्जॉर्ब होगी, तो हमारे लिए और बेनिफिशियल होगा। सो हमें इसे इवन करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किन के अंदर क्रीम जो है एब्जॉर्ब हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। एंड इसे फिर मैं 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी गाइस। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया, अभी भी जो है ये पूरा अच्छे से सूखा नहीं है, तो इसको थोड़ा से और इवन होगा। आप देख सकते हैं, तो आधा सूख भी गया है, बहुत हल्का हल्का भी रह गया है। एंड गाइस, अगर आप मार्केट से ऐसे कोई ट्रीटमेंट लेंगे टैन रिमूविंग का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। एंड गाइस, इस क्रीम का जो कॉस्ट है, आई थिंक वो है 160 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स। एंड गाइज, यह क्रीम आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेगी। सो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है गाइज, रियली मेरे लिए तो ये क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड गाइज, अभी देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्रीम ड्राई हो चुकी है। जब बिल्कुल ऐसे ड्राई क्रीम हो जाएगी गाइज, तब आपको इसको हटाना है। और आप इसको फेस वॉश डायरेक्टली वाटर से भी हटा सकते हैं, या किसी आप हैंकी से भी हटा सकते हैं, हैंकरचीफ से, और मैं यहाँ पे एक स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ, स्पॉन्ज से भी आप हटा सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसके हिसाब से इसको हटा सकते हैं गाइज।
एंड गाइस ये आप देख सकते हैं, ये रियल विजिबल डिफरेंस आपके सामने गाइस, ये बहुत ज़्यादा आपका जो टैन है ये रिमूव करती है। और आप इसे अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बट मैं डेली नहीं करती, वीक में आप इसे 2 या 3 बार तो आराम से यूज़ कर सकते हैं गाइस, और अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो आप डेली भी कर सकते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हैं फिनिश्ड रिजल्ट्स आपके सामने गाइस, ये जो पिक्चर है ये पहले की है जो बिफोर क्रीम लगाने से, और अब आप देख सकते हैं अब थोड़ा इसके अंदर काफ़ी एकदम चेंज आ गया है गाइस। सो बाय गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द लाइक बटन।